राम राम जी मेरे सारे दर्शकों ने और जय श्री राम जय बाबा की। आज मैं तुम्हें गणेश महाराज की एक कथा सुना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है, छोटी छोरी की और माँ बेटी की। तो आप इसे मन से सुनियो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी, हर सब की मनोकामना को पूर्ण करने वाली। तो एक बार है ना, एक बेटी थी, एक दो माँ बेटी थी और वो एक किसी गाँव में रहा करती। तो गांव में जैसे अभी मेला लगता है, गणेश महाराज आए हुए हैं ना एक सप्ताह के लिए, इसी तरह है। तो गणेश का मेला लगता था, हर मंदिर में बुलाए हुए थे। तो वह लड़की कहने लगी, माँ जी सभी जा रही, मम्मी मम्मी आखा बेटा आके सभी बच्चे हैं ना मेला देखने जा रहे हैं, मम्मी मैं भी जाऊं। तो कह रही बेटा चली जा, बेटा बहुत भीड़ होती है मेले में, कहीं यहाँ पे मतलब घूमना हो जाओ। नहीं मम्मी सब जा रहे हैं, मैं तो जाऊंगी। तो वह अटकने लगी। तो उसकी मम्मी बोली, चल बेटी चली जा मेरे में, लेकिन जल्दी आ जाइए। ठीक है तो माँ जल्दी आ जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी मेरे में। तो वह चली जाओ, उसकी मम्मी ने उसको क्या दिया, दो लड्डू दे दिए और थोड़ा पानी दे दिया बोतल में। तो बोली, बेटा एक तो गणेश महाराज को खिला दिए और यो कुछ पानी पिला दिए, और कुछ पानी बचा है और एक लड्डू, वो आप खा लियो। ठीक है मम्मी जी, ऐसे ही करूंगी। तो चली गई, लेकिन उसकी मम्मी ने तो बोला था, बेटा चढ़ा दिए गणेश महाराज पे। उसने समझे कि मेरी मम्मी ने बोला है खाने के लिए, तो एक एक गणेश को खिला दिए और पानी पिला दिए, थोड़ा पानी जो बचा है वो तो आप पी लियो। तो बोली ठीक है मम्मी, वो चले गए। चली गई तो वो अपना सब मेला देखते आंदा है और बात अपने गणेश भाई ने खिलारी, और तक खिलारी तो वह कहने लगे, भाई गणेश आ जा, देख सब बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगी, आप जल्दी आ जाओ, खाना खा लो, ये लड्डू खा लो, मम्मी ने भेजा है, और पानी पी लो, फिर मैं भी पीऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। तो वह कहने लगा, गणेश ने सोची, भाई ये लड़की तो जब तक मैं इसका लड्डू नहीं खाऊंगा ये तो घर जाएगी नहीं, ये तो पागल हो रही है छोटी लड़की। अरे देखो भगवान तो जो हमेशा साथ रहते हैं वह सुनते रहते हैं, तो उनको खुद आना पड़ा ऐसे सोच के, तो छोटा छोरे का रूप बना के और आगे। तो बोले लाओ मेरे को लड्डू दे दो और मेरा पानी दे दो, मैं पी लूं। तो कह रही, लो एक लड्डू तो आपके लिए दिया मम्मी ने, अरे एक मेरे लिए। उसने सोची, उन्होंने बोला मैं गणेश महाराज हूँ, मैं गणेश हूँ। तो लड़की ने के बेचारी ने पता था, उन्होंने सोची ले आगे गणेश खाने के लिए, और उन्हें दे दिया एक लड्डू दे दिया और पानी दे दिया। तो उसने थोड़ा पानी बचा के और उसको दे दिया कि ले इसको तो आप भी लेना, और आप मांगो कुछ, कोई इच्छा आपकी मांगो आके। तो उस लड़की ने सोचा, क्या मांगू, घर मांगू, अकबर मांगू, खेत मांगू, गाड़ी मांगू, भाई मांगू, के मांगू। तो वह सोच ही रही थी, तो गणेश महाराज ने सोच लिया, परख लिया कि आ क्या मांग रही है। तो वह सोच रही थी, तो गणेश महाराज बोले, इब जाओ आप, रात हो जाएगी नहीं तो जल्दी आपको पहुंचने में, तो आप इब जल्दी जल्दी घर जाओ। तो चली गई, चली गई तो वह उसकी मम्मी सबको न ढूंढ है, ये किसी ने मेरी बेटी देखी, मेरी बेटी देखी, मेरी बेटी देखी, हर घर में पूछे वाह आके कित गई मेरी बेटी सी। वह सब कह रहे ना, तेरी बेटी तो ना देखी, तेरी बेटी तो ना देखी, किसी ने भी ना कही, वह गणेश के पास बैठी थी उसने ना देखा मेरे में कुछ भी, वह तकती मेरे कितरिया पागल थी, किसी ने बता दी उड़े बैठ जाए तो उड़े गणेश दौरे बैठेगी, गणेश दौरे बैठगी। तो आई वहां फिर आके, बेटा मैं सारे का ढूंढाई, मैंने आपको किधर मतलब किधर किधर नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मैं सब जगह ढूंढ के आ रही भाई हूँ आपको लेने के लिए। तो आप कहाँ चले गए थे, सभी तो बच्चे आ गए। मम्मी जी मैं है ना गणेश के पास बैठी थी और गणेश महाराज बहुत लेट आए खाना लड्डू खाने के लिए, आपने नु कह रखा था लड्डू खिला के और पानी पिला के आना है। अच्छा फिर खाया था गणेश ने लड्डू? हाँ मम्मी। कितने बड़े थे गणेश? और तूने बता दिए जैसे वो लड़का आया था बालक के रूप में, तो होगा 7-8 साल का, इतना लड़का था। तो बोला मम्मी आए थे इतने इतने बड़े थे भाई, और गणेश महाराज आए थे और खा गए लड्डू खा लिया और पानी पी लिया, फिर मेरे को कहने लगे जाइब अपनी मम्मी के पास चली जा, रात हो जाएगी। तो बोली अच्छा बेटा, नू कहते कहते
और उसकी मात के देखो इतना बड़ा तो महल बन गया वो छोटे है घर का। और गाड़ी भाई नू देख ले वर भी मिल गया न्यू मौज होगी सब क्या है कि तो गणेश महाराज ऐसे हैं वे बेदल तब मान्या करो। गणेश महाराज ने जब हर मनोकामना पूर्ण करेंगे वह तो दल की भाषा ने मतलब समझे है भगवान तो गणेश महाराज ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। हे गणेश महाराज जिस माँ बेटिया की सुनी उसी मारी भी सुनी है कहनिया की सुनी है क्यों कार्य बनिया की तब वे इस कहानी को सुन कर एक लाइक आपका जरूर बना है एक लाइक दे दिया करो एक लाइक का कति वो मत करा करो लाइक जरूर दिया करो और कथा को पूरी सुना करो। बस छोटी सी है 4 मिनट की तो कथा को पूरी सुनकर फिर लाइक दिया करो और फिर बेअमल करा करो भगवान की बातों पे। भगवान है तो सब कुछ है और अगर भगवान नहीं होंगे तो कुछ भी ना है संसार में। तेरा मेरा मत करा करो अपने भगवान पर थोड़ा भरोसा करा करो सच्चाई पर चला करो ये मत देखा करो को झूठ बोल रही है वो इतनी फड़ी जा रही है ना वे बे वो उसको पहली करने का फल मिल रहा है जो अमीब भुगत रही हाँ और जो अमीब करांगे ना वो अमाग मिलागा तो इसलिए अच्छे अच्छे काम करा करो और अच्छी चीज देखा करो और वे अच्छी वीडियो और ये अच्छी अच्छी बना करो जो माँ बेटी बेटा सारे बहन भाई पिताजी हम बैठ के ना एक दूसरे का देख लें और वे पूरा फुल सपोर्ट करा करो। मैंने आपके थारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो सपोर्ट दिया करो इसी तरह देती रहो जो कर पहले दिया करती पहले बहुत बढ़िया दिया करती बस उसी तरह आ जाओ वे सारी बहन दिया करो सपोर्ट ही। अरे जो गलती हो जाए तो उसने माफ करा करो वे मत जान पूछ के तो कोई नहीं करती कति सबका बढ़िया तरिया कर रही हूँ और कति अपने उस पर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ क्यों क्योंकि मैंने इतना वो तो है नहीं चालबाज तो मैं हूँ नहीं तो वे अपने मेहनत करूँ हूँ कसूती तरिया सारे दिन लागे रहूँ हूँ एक मिनट का भी टाइम नहीं अभी भी 11:10 होती है तो अब मैंने ये कहानी कथा सुनाई है ये आपको मिलेगी 10:30 पे प्रीमियर वीडियो आवा है कति सारी वाहन एक एक मिनट के लिए आ जाए करो अपनी वाहन ते टाइम निकाल के ना और राम राम बे सारी भाणा ने सारे मेरे भाण भाइया ने बेटा बेटिया ने सब ने मेरी राम राम कति हाथ जोड़ के और सारे आया करो सारे सुनया करो कोई यूट्यूब पर उसी बात ना बढ़िया बढ़िया सुनया करो जो कोई बढ़िया कवर उसकी सारी सुनया करो और राम राम सब ने जी।